कोरबा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में खड़े जयसिंह अग्रवाल का जनसंपर्क लगातार जारी है। मंगलवार की शाम जयसिंह अग्रवाल नगर निगम के वार्ड नंबर 2 तुलसी नगर पहुंचे और सभा लेकर आम जनता को अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराया। कोरबा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल का सघन जनसंपर्क लगातार जारी है। अपने समर्थकों के साथ उनके द्वारा लगातार चुनावी सभाएं ली जा रही हैं। इसी कड़ी में जयसिंह अग्रवाल ने मंगलवार की शाम नगर निगम के वार्ड नंबर 2 तुलसी नगर में नुक्कड़ सभा ली। यहां उन्होंने आम जनता से बातचीत कर उनका समर्थन मांगा। इस दौरान मौके पर अमरनाथ पांडे, सपना चौहान, लक्ष्मी देवांगन, महेंद्र निर्मलकर, गणेश दास महंत सहित बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 2 के लोग मौजूद रहे। जैसा कि आप सबको मालूम है, कभी विधानसभा का चुनाव है, 17 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 5 साल अभी हमारी सरकार का, पहले विपक्ष में विधायक रहे, सरकार बनी तो मंत्री बने और कोरबा क्षेत्र का, मेरे विधानसभा का विकास कितनी तेजी से अपना हुआ, क्या हुआ, इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। चाहे रोडों का निर्माण हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे घर घर मंडल का कनेक्शन हो और इसके साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, हमर क्लिनिक मतलब डॉक्टर भी फ्री, दवाई भी फ्री, हर वार्ड में खोले जा रहे हैं, साथ में स्वामी आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद कॉलेज। इसके साथ साथ पिछले विधानसभा चुनाव के समय आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने कुछ वादे किए थे, जिसमें एक वादा था किसानों का कर्जा माफ, दूसरा वादा था बिजली बिल हाफ और तीसरा वादा था धान का समर्थन मूल्य 25 रूपये। तो किसानों का कर्जा माफ तो दो घंटे के अंदर किया गया, जैसी सरकार बनी लगभग 12,000 करोड़ रूपया, और उसके बाद धान का समर्थन मूल्य हर साल 2500 रूपये देते आए और अभी पिछले समय 2640 दिए और अभी 1 नवम्बर से जो खरीदी करेंगे उसमें 2800 रूपये।